तो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं अंडे की सब्जी अलग तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने तेल रख दिया, इधर तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम डालते हैं प्याज। तो प्याज हमने डाल दिया है, इसमें दो हमने हरी मिर्च भी डाल दिए हैं। मसाला बना लेते हैं पहले अंडे के लिए। तो प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं साथ में, ये भी भून जाएगा। तो प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, इसमें हम डालते हैं टमाटर। टमाटर हमने दो टमाटर काट के रखे हैं, इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच डालेंगे सारा मिक्स मसाला, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मसाले को हम अच्छे से पकने देंगे। तो मसाले को पकने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको हम ढक देते हैं तब तक पकेगा थोड़ा। अंडों को काट लेते हैं इस तरीके से। तो इसी तरह हम सारे अंडों को काट लेते हैं। मसाला हमारा भुन गया है, इसमें हम जो अंडे काटे थे इनको डाल देते हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये भी हमने डाल दिए हैं बीच के जो होते हैं अंडे के गेरी, तो सारे हम मिला देते हैं। तो मसाले हमने अच्छे से मिला दिया है। तो दो मिनट और पकने देंगे इसको, फिर सब्जी हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा हम ऊपर से कसूरी मेथी डालेंगे, इसमें टेस्ट भी आएगा और खुशबू भी आएगी अच्छी। तो सब्जी हमारे बन के तैयार हो गई है। तो रेसिपी बन के हमारी तैयार हो गई है। गैस को हम बंद कर देते हैं और सर्व करके दिखाते हैं आप सबको। तो ऊपर से हम डालते हैं, सर्व करके दिखाते हैं आप सबको हमारी रेसिपी कैसे बनी है। बनके हमारी तैयार हो गई है। इसके ऊपर से हम करते हैं धनिया से गार्निश। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाए के ट्राई करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ।